हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ वायर फॉर लाइटनिंग सर्किट एंड हीटिंग सर्किट। लाइटनिंग सर्किट में जो वायर्स यूज किया जाता है ना, उसके साइज कैसे फाइंड आउट किया जाए एंड हीटिंग सर्किट में जो वायर्स यूज किया जाता है ना, उसके साइज कैसे फाइंड आउट किया जाए, सभी चीज जो है ना मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में विद कैलकुलेशन। तो वैसे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया तो आपके सारे इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। तो वैस बिना रुके आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कैसे साइज ऑफ वायर फाइंड आउट किया जाता है फॉर लाइटनिंग सर्किट एंड हीटिंग सर्किट। तो गाइस, साइज ऑफ वायर फाइंड आउट करने के लिए ये टेबल जो है ना आपको मालूम होना चाहिए। इधर आप देख सकते हो साइज ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर इन स्क्वायर एमएम। इधर आप देखिए, ये सभी जो है ना अलग अलग साइज है। इधर आप देखिए बाजू में डायमीटर ऑफ वायर इन एमएम। तो गाइस, आप अगर सिंगल फेस के लिए साइज ऑफ वायर फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये करंट रेटिंग जो है ना आपको हेल्पफुल रहेगी। आप अगर थ्री फेस के लिए साइज ऑफ वायर फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये करंट रेटिंग जो है ना आपको हेल्पफुल रहेगी। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू लाइटनिंग सर्किट का साइज ऑफ वायर जो है ना कैसे फाइंड आउट किया जाता है एंड हीटिंग सर्किट का जो साइज ऑफ वायर जो है ना कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो गाइस, कोई भी साइज ऑफ वायर आपको फाइंड आउट करना चाहते हो तो पहले आपको मालूम होना चाहिए करंट रेटिंग। करंट रेटिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है अब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, करंट रेटिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले जो है ना घर का लोड मालूम होना चाहिए। घर का लोड जो है ना कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, एग्जाम्पल आप जो है ना आपके घर में जो है ना एक रूम है और एक हॉल है। रूम में जो है ना एक फैन एक ट्यूबलाइट है, उसका लोड आएगा 120 वैट। और हॉल में भी एक फैन है और एक लाइट है, उसका लोड आएगा 120 वैट। दोनों को आप मिलाइए, टोटल आएगा 240 वैट। इसी तरह से जो है ना घर का लोड फाइंड आउट किया जाता है। मैंने इधर एग्जाम्पल लिया है फॉर लाइटनिंग सर्क्यूट, टोटल लोड ऑफ हाउस इक्वल टू 700 वैट। आप अगर लाइटनिंग सर्क्यूट का साइज ऑफ वायर फाइंड आउट करना चाहते हो तो जो जो लोड जो है ना लाइटनिंग सर्किट के साथ कनेक्ट किया जाता है ना, उन सभी लोड्स की आप जो है ना सम कीजिए, तब जाकर आपका टोटल लोड ऑफ हाउस फॉर लाइटनिंग सर्किट का जो है ना वैल्यू आपको मिलेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे लोड करंट। लोड करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पी इक्वल टू वी इंटू आई। तो आई जो है ना आप इधर भेजिए, वी जो है ना नीचे जाएगा। लोड करंट इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई वी। पी कितना आता, 700 जो है ना पावर है, वैट है, टोटल लोड ऑफ द हाउस। ओके, 700 डिवाइडेड बाय सिंगल फेस वोल्टेज जो है ना 230 है, इसलिए 230 इधर लिखिए, पी डिवाइडेड बाय वी। टोटल आपका लोड करंट आएगा 3.04 एम्प्स जो है ना आपका घर का लोड करंट आएगा। अब हम इसको जो है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों दोस्तों, आप अगर फ्यूचर में लोड इंक्रीज करते हो, आप अगर फ्यूचर में ऑल में जो है ना टीवी लाते हो या फिर सिस्टम कंप्यूटर लाते हो, वो सभी जो है ना हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कंसिडर करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ना सेफ्टी पर्पस के लिए, आप अगर फ्यूचर में लोड इंक्रीज करते हो ना, वो भी कंसिडर किया जाता है, इसीलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 2 रखेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेटिंग। करंट रेटिंग इक्वल टू 3.04 × 2, टोटल आपका करंट रेटिंग आएगा 6.08। अब हम कैलकुलेट करेंगे साइज ऑफ द वायर। इसी तरह से जो है ना करंट रेटिंग फाइंड आउट किया जाता है, बाद में करंट रेटिंग देखकर जो है ना साइज ऑफ वायर जो है ना टेबल के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइस, आपका करंट रेटिंग आया था 6.08, तो इधर देखिए 6.08 जो है ना नहीं है, करंट रेटिंग में जो है ना 6.08 नहीं है। आप जो है ना 10 एम्प जो है ना करंट रेटिंग कंसिडर कीजिए, कभी भी जो आपका आया था ना उससे ज्यादा जो है ना करंट रेटिंग इधर कंसिडर कीजिए। 5 जो है ना मत कीजिए, वो थोड़ा गलत होगा, कभी भी आप जो है ना 10 कंसिडर कीजिए 10। तो वैसे आपका वायर का साइज आएगा 1.5 स्क्वायर mm जो है ना वायर यूज करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से जो है ना लाइटनिंग सर्किट का वायर का जो है ना साइज फाइंड आउट किया जाता है। अब हम देखेंगे हीटिंग सर्किट का। हीटिंग सर्किट का भी सेम मेथड है दोस्तों, पहले आपको लोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने इधर एग्जाम्पल लिया है 3000 वैट। ओके, आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है, तो उसका टोटल लोड आएगा 3000 वैट। इसका भी लोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो गाइस एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर में एक फ्रिज है और एक गीजर है, तो दोनों को वैट रहता है ना, वैट पावर रहता है ना, उसको ऐड कीजिए, तो वो आएगा आपका टोटल लोड
टोटल लोड आने के बाद आप लोड करंट जो है ना फाइंड आउट कीजिए। लोड करंट इक्वल टू 3000 जो पावर आया था ना 3000 डिवाइडेड बाय, आप सिंगल फेज के लिए कर रहे हो इसलिए 230, आप अगर थ्री फेज के लिए कर रहे हो तो उसको 440 कीजिए नीचे, इक्वल टू 13.04 एम्प्स जो है ना आपका लोड करंट आएगा। इसमें भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड करेंगे सेफ्टी पर्पज के लिए, आप अगर फ्यूचर में गीजर लगाते हो तो लोड इंक्रीज करते हो ना, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ना इंक्लूड किया जाता है। करंट आएगा आपका टोटल करंट रेटिंग आएगा 13.04 इंटू 2 26.08 जो है ना आपका करंट रेटिंग आएगा। अब हम इसी से जो है ना साइज ऑफ वायर जो है ना फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस इधर आप टेबल देखिए 26.08 जो है ना किधर भी नहीं है। तो गाइस कभी भी जो है ना ज्यादा करंट रेटिंग जो है ना आप कंसिडर कीजिए, ज्यादा वैल्यू का 20 जो है ना मत कीजिए, आप जो है ना 28 कीजिए। तो गाइस साइज ऑफ वायर आएगा 6 square mm का जो है ना वायर आपको यूज करना पड़ेगा। तो गाइस इसी तरह से जो है ना साइज ऑफ वायर फाइंड आउट किया जाता है फॉर लाइटनिंग सर्क्यूट एंड हीटिंग सर्क्यूट। तो गाइस कोई भी डाउट रहे तो नीचे कमेंट कीजिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।